हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? काफ़ी अच्छे होंगे, मैं भी काफ़ी अच्छा हूँ। सुबह सुबह मैं उठा तो परेशान हो रहा था कि कल मैंने आप लोग के लिए कोई वीडियो अपलोड नहीं किया पढ़ाई से रिलेटेड, तो मैं सोच रहा था कि कब सुबह हो तो आपके लिए मैं वीडियो लेकर आऊँ। कि दोस्तों, आप लोग का एग्ज़ाम नज़दीक है तो मैं सोच रहा हूँ कि उन्हें समय पर ख़त्म कर दे ताकि आपको रिविजन का भी वक्त मिल जाए जल्द से। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जो मैं कल बताया था सिलेबस, पूरा पाचन तंत्र पढ़ाने वाला हूँ, पूरा मतलब ह्यूमन बॉडी का सिस्टम पढ़ाने वाला हूँ पूरा सिस्टम। तो जो हमारा पहला सिस्टम था उसका नाम था पाचन तंत्र, वो मैं लेकर आया हूँ। और यकीन रखिए, मैं पूरा बता दूंगा, और इतना बता दूंगा सिर्फ पीसीएस के एग्जाम के लिए नहीं, भविष्य में आप कोई भी एग्जाम दीजिएगा तो पूरा समस्या दूर हो जाएगा, कहीं से क्वेश्चन नहीं मिस होने वाला है। और दोस्तों, मैं बार बार बोलता हूँ कि आप इसके लिए मत पढ़े कि मैं परीक्षा पास हो जाऊँ, आप इसके लिए पढ़े कि मैंने कितना सीखा है। एक बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, दोस्तों आपने नाम सुना होगा मेजर ध्यानचंद का। सन 1936 की बात है, 1936 में एक वर्ल्ड कप हुआ, तो वर्ल्ड कप में हॉकी वर्ल्ड कप हुआ, उसमें गए वो, तो उसमें गए तो हुआ क्या, मेजर ध्यानचंद वो ऐसे व्यक्ति थे दोस्तों, उस समय जब बिजली नहीं थी, जब बल्ब का आविष्कार नहीं हुआ था, बिल्कुल अंधेरा था, उस वक्त वो दिन में भी हॉकी पूरा भर के प्रैक्टिस करते थे, दिन भर प्रैक्टिस करते थे, और रात में भी चंद्रमा के लाइट में, चंद्रमा के सूक्ष्म प्रकाश में हॉकी खेला करते थे, अपना प्रैक्टिस करते थे। क्योंकि उनके माइंड में चलता था कि यार, हो सकता है जिससे मेरा कंपटीशन है, हो सकता है वो अभी प्रैक्टिस कर रहा हो, तो फिर तो मैं हार जाऊंगा। इसलिए दोस्तों, अपना प्रैक्टिस कभी मत छोड़ें, करते रहें, क्योंकि आपका भी कंपटीशन स्टेट के बच्चों से नहीं, इंडिया के बच्चों से है, पूरा सेंट्रल लेवल पर आपका कंपटीशन है। इसलिए दोस्तों प्लीज़, और कंपटीशन आपकी एक से नहीं, हो सकता है आपका जिससे कंपटीशन है बहुत सारे लोगों को पीछे करके आपको आगे जाना है, तो हो सकता है जिससे आपका कंपटीशन हो सकता है वो अभी पढ़ रहा हो। इसलिए दोस्तों, आप भी आराम से ना बैठे, हमेशा स्टडी करते रहें, हमेशा कुछ ना कुछ करते रहें, सोचते रहें। अब इतना ही मत सोचिए कि पागल हो जाए, मतलब एक लिमिट में अच्छे तरीके से, ठीक है। तो मेजर ध्यानचंद जब गए जर्मनी, जो वर्ल्ड कप हुआ, तो वर्ल्ड कप में जर्मनी से और इंडिया का था, उसमें दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा तनाशा हिटलर आए हुए थे। गेम शुरू हुआ, हिटलर अबाक रह गया मेजर ध्यानचंद का खेल देखकर। इन्होंने अकेला लगभग 15 गोल किए, लगभग नहीं श्योर 15 गोल किए, और उसके बाद 16-1 से इंडिया की जीत हुई। इंडिया की जीत होने के बाद हिटलर का जो गोल था सिर्फ एक था और इंडिया का 15 था। पूरी तरह से हिटलर आक्रोशित हो गए, गुस्से में आ गए, और उन्होंने कहा जरूर इस बंदे के हॉकी में चुंबक लगा है, हॉकी को तोड़ो। और उसके हिटलर के सैनिक आगे आए और मेजर ध्यानचंद के हॉकी को तोड़ दिए। तोड़ने के बाद उसमें से चुंबक नहीं निकला। हिटलर अब बात रहता है, यार क्या प्रतिभा है। उसके बाद हिटलर उसी दिन रात में अपने कमरे में मेजर ध्यानचंद को बुलाया। बुलाने के बाद हिटलर ने कहा कि एक बात बताओ, तुम करते क्या हो, हॉकी खेलने के अलावा और तुम करते क्या हो? तो उन्होंने कहा, मैं सिर्फ हॉकी खेलता हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं करता। तो उसने कहा, यार तो एक प्लस पॉइंट है ये कि आप मेन फोकस, आप जो अपना लक्ष्य बना रही हैं उसी पर मेन फोकस रखें। कुछ लोग सोचते कि यार मैं बैंकिंग भी कर लूँगा, SSC भी कर लूँगा, रेलवे भी कर लूँगा, PCS भी कर लूँगा, सब कुछ कर लूँगा। बिल्कुल गलत, एक फोकस रखिए और उसके बारे में एकदम निचोड़ अध्ययन कीजिए। तो मेजर ध्यानचंद का कथन था कि मैं सिर्फ हॉकी खेलता हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं करता। हाँ, मेरे देश में मुझे इस हॉकी के सम्मान में मुझे आर्मी नियुक्त किया है और मैं आर्मी का एक छोटा सा सिपाही हूँ। तो हिटलर ने कहा कि एक बात बताओ, सिर्फ आर्मी का छोटा सा सिपाही, तुम्हें इतनी प्रतिभा है, तुम्हें इतनी ज़्यादा प्रतिभा है, तुम मेरे जर्मनी चलो, अपने देश को छोड़ दो, इसको छोड़ने के बाद तुम मेरे देश चलो, मैं तुम्हें आज ही अपने सैनिक का चीफ मार्शल बना दूंगा और उतना 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 सम्मान दूंगा जितना सम्मान आज तक तुम्हारे देश में राष्ट्रपति को नहीं दिया जाता है। उसके बाद मेजर ध्यानचंद ने इतना आराम से, इतना प्यार भरे शब्दों में ऐसा जवाब दिया, मुँह तोड़ जवाब दिया, जिस जवाब को मैं कभी नहीं भूलता, मुझे इस जवाब से मुझे प्रेरणा मिलती। मेजर ध्यानचंद का जवाब था कि मिस्टर हिटलर साहब, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे देश, मेरे माँ ने हमें क्या दिया, फर्क मुझे इससे पड़ता है कि हमने अपने देश को क्या दिया, क्योंकि देश के मुद्दे से हम नहीं हैं, देश की वजह से हम नहीं हैं, हम लोगों की वजह से देश है। इसीलिए जो करना है हमको करना है, इसलिए मैं जब भी खेलूँगा तो अपने देश के लिए खेलूँगा, बुरा खेलो या बेहतर खेलो। दोस्तों, ये जो जवाब था ये बहुत बड़ी जवाब था, पॉजिटिव प्लस पॉइंट है। इसीलिए और उन्होंने कहा कि अपने देश के सम्मान में खेलूंगा, मुझे पूरा यकीन है कि मैं कभी नहीं हारूंगा, क्योंकि मुझे, मैं अकेला नहीं हूँ,
मेरे साथ उन सारी माँ, उन सारे पिता, उन सारे भाई, उन सारे बहनों का प्यार जुड़ा है, और मैं सिर्फ अपने देश के लिए, अपने माँ बहन, अपने भाई बहन के लिए खेलता हूँ। दोस्तों यही है, एक छोटे छोटे कस्बे से उठ के लोग कहाँ कहाँ चले गए इतिहास रच दें। इसलिए मैंने कहा था कल कि इस दुनिया ने जिस पर हंसा है, यकीन मानिए उसी ने इतिहास रचा है। दोस्तों ये आप खुद को मोटिवेट कीजिए, पढ़िए, और आप जो मैं आप बता रहा हूँ उसको आज ही सीख जाइए, कल पर नहीं छोड़िए। ये दोस्तों सबसे बड़ी माइनस पॉइंट होता है लाइफ का, मेरे साथ भी और सबके साथ होता है। लोग सोचते हैं कि यार आज थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, कल से पढ़ेंगे, कल से पढ़ेंगे, और दोस्तों लाइफ का कोई रूटीन नहीं होता है, आपने जो किया वही रूटीन बन जाता है। इसलिए एक रूटीन तो बनाइए, एक तरीका से कीजिए, क्योंकि रूटीन बनाने से दोस्तों समय ज़्यादा लैप्सिंग होता है। एक रूटीन बनाइए, एक नियमित तरीके से, रेगुलर तरीके से ही काम कीजिए, और जो मैं आज बता रहा हूँ, जो आज मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, वो रेगुलर हो जाए और इसको आज से ही देखना शुरू कर दे। आज मैं डालूँ उसी वक्त देख जाइए, कल के भरोसे मत छोड़िए, ठीक है। चलिए तो अभी मैं बता रहा हूँ दोस्तों पाचन तंत्र क्या होता है, एक मिनट। दोस्तों ये देखिए, मैंने आपके लिए एक चित्र बनाया, बहुत सुंदर सा चित्र, ठीक है। मैं कल गया मार्केट, तो मार्केट गया तो मैं जो होता है ना डायग्राम पूरा वो खरीदने गया मार्केट, इतना महंगा था। फिर मैंने सोचा चलिए मैं इससे ज़्यादा बेटर होगा कि मैं बता दूंगा। दोस्तों उसमें बहुत सारा होती है, इधर सिरा है, उधर सिरा है, ऐसे वैसे वैसे वैसे। मैंने सोचा क्यों ना मैं अब इसको बोर्ड पे उतार दूँ और साफ साफ जो जरूरी है मैं उसी को बताऊंगा। उसमें बहुत सारा नसिका है, वेन ए वो बहुत अगैरह वगैरह बहुत सारे होते हैं। तो मैं इसमें दोस्तों मैं यकीन रखिए मैं जितना पढ़ाऊंगा पूरा फिगर के साथ बताऊंगा, पूरा डायग्राम करके बताऊंगा, और कहीं कोई समस्या नहीं रहने दूंगा अपनी तरफ से, ये मेरा वादा है। बस आप लोग भी मेरा उम्मीद मत तोड़े, कमेंट्स जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, और कैसा लगा वो जरूर बताइएगा। तो चलिए मैं बताता हूँ अच्छे तरीके से। दोस्तों ये हमारा डायग्राम, ठीक है, किसका डायग्राम, तो मानव शरीर के, हमारा लेसन आज का पाचन तंत्र। तो पाचन तंत्र का डायग्राम है, मैं जितना बात बोलता हूँ सब बातों पर ध्यान दीजिएगा, एक शब्द भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में कौन आ जाए कुछ पता नहीं, ठीक है। कुछ भी आ सकता है, जो मैं बता रहा हूँ कुछ भी आ सकता है, मैं सब कुछ बताऊंगा और सब कुछ में इससे ही आएगा। तो चलिए ये हमारा है पाचन तंत्र पूरा मनुष्य का। अब देखिए इसमें मैं समझा रहा हूँ क्या, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। ये इस पोर्शन को कहा जाता है मुख गुहा। क्या कहा जाता है? मुख गुहा, बकल कैविटी, याद रखिएगा, इसे कहा जाता है मुख गुहा। और मुख गुहा मैं अच्छे तरीके से बताऊंगा, पहले नॉर्मली समझिए। और दोस्तों एक नाक से, मुंह से और कान से, तीनों से एक ग्रंथि जुड़ी होती है जिसे कहा जाता है पैरोटिड ग्रंथि। इस वाले पूछा जाता है कि पैरोटिड ग्रंथि किस किस से जुड़ा होता है, तो याद रखिएगा नाक से, मुंह से और कान से जो जुड़ा होता है उसे कहते हैं पैरोटिड ग्रंथि। आ रहा है समझ में? तीनों का कनेक्शन होता है आप लोग जानते होंगे, इसे कहा जाता है पैरोटिड ग्रंथि। आगे देखिए दोस्तों, आगे एक नली आती है, ऐसे करके एक नली आती है जिसे कहते हैं ग्राशनी, जिसे क्या कहते हैं? ग्राशनी। आ रहा है समझ में? और उसके बाद दोस्तों होता क्या है, एक आगे ट्यूब जैसा भाग होता है जिसे पकड़ के आदमी अगर ऐसे दबा दे तो हालत खराब हो जाता है, ठीक है। ये पोर्शन यहाँ है, मैंने सारा बताया। और दोस्तों ये जो है ग्राशनी, मतलब ग्राशनी इसलिए से कहा जाता है क्योंकि इसी से भोजन को ग्रहण किया जाता है, यहाँ से भोजन को ग्रहण किया जाता है और यहीं से आता है लंबी नली द्वारा, इसे क्या कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है? ग्राशनी। आ रहा है समझ में? उसका दोस्तों ग्राशनी आगे धीरे धीरे आती है, तो आगे धीरे धीरे जब आती है, धीरे धीरे आते आते एक ऐसा सी आकार का, देखिए ऐसे 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 एक पोर्शन प्राप्त होता है जिसे कहते हैं अमाशय, स्टोमैच, अमाशय। और इसका एक विभिन्न काम है, और सबसे ज़्यादा सवाल इसी पोर्शन से पूछा जाता है अमाशय से, मैं सब बताऊंगा। इसको कहा जाता है अमाशय। आगे आइए, अमाशय से आगे दोस्तों ऐसे नीम की पत्ती जैसा एक जुड़ा होता है पोर्शन जिसे कहते हैं अग्नाशय, याद रखिएगा अग्नाशय, अमाशय अग्नाशय, ध्यान से देखिएगा अच्छे से समझ में आएगा पूरा। ये अग्नाशय हो गया, और ठीक ये आगे आता है दोस्तों, आगे आता है तो यहाँ से एक ऐसा पोर्शन बड़ी, मतलब दो प्रकार की आंत प्राप्त होती है, एक को कहा जाता है बड़ी आंत और एक को कहा जाता है छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं सब बताऊंगा, सब पोर्शन को फिर अलग अलग करके बताऊंगा, एक बार पूरा समझा दे रहा हूं। और उसका बड़ी आंत जो दोस्तों बड़ी आंत वाला है, बड़ी आंत है, बड़ी आंत जब यहाँ आती है तो लास्ट पोर्शन जो होता है उसे कहा जाता है मलाशय, और उसके लास्ट छोटे भाग को कहा जाता है गुर्दा। और ध्यान दीजिएगा इधर जो पोर्शन इसको कहा जाता है अपरेंडिक्स। क्या होता है आप लोग जानते होंगे, अपरेंडिक्स का ऑपरेशन होता है कि इसमें जब आप वैसे पदार्थ खा लेते हैं जो घुलनशील नहीं है, पचने वाला नहीं है, तो जाके इस अपरेंडिक्स में जमा हो जाता है, जिसे अपरेंडिक्स बढ़ जाता है और दर्द करने लगता है, तो इसी को डॉक्टर ऑपरेशन करके उस पदार्थ को निकाल देते हैं, या फिर कंकड़ वगैरह कुछ बच्चे खा लेने के कारण ऐसा होता है, तो उसे अपरेंडिक्स कहते हैं। आगे देखिए मैंने पूरा बता दिया। और यहाँ होता है दोस्तों जिसे कहते हैं यकृत, लीवर, और इसमें एक ग्रंथि होता है जिसे कहा जाता है पित्ताशय, ठीक है। और दोस्तों मैंने पूरा बता दिया,
चलिए, और ये जो यहाँ से दोस्तों यहाँ तक उसको कहते हैं ग्रहणी, और जो अमाशय से पोषण निकल जाता है, अमाशय से आंत में जुड़ता है, किसे कहा जाता है ग्रहणी, और ऊपर कहा जाता है ग्राशनी। ठीक है, एक बार आप क्या कीजिए स्क्रीन शॉट लेके उसको अच्छे से एक दो बार देख लीजिए प्लीज, क्योंकि मैं ज़्यादा देर बोलूँ समय कम है। ठीक है, मतलब समय कहने का मतलब नहीं, ज़्यादा वीडियो के बाद ज़्यादा लंबा हो जाए तो फिर समस्या हो जाएगी। मैं चाहता हूँ कि एक वीडियो में पूरा लेसन को ही क्लियर कर दूँ, ताकि आपको बार बार वीडियो नहीं देखना पड़े, एक वीडियो में पूरा लेसन कंप्लीट कर दूँ। ठीक है, तो चलिए ये हमारा कंप्लीट हो गया पूरा पोर्शन, ऐसे देख लीजिए फोटो अच्छा मैंने बनाया है। ठीक है, चलिए आगे मैं बता रहा हूँ। तो यह है, और जानते हैं ये यहाँ ग्राशनी मतलब मुख गुहा से लेकर और यहाँ मलाशय मलद्वार तक का जो पूरा नाल है, इसी नाल को कहा जाता है आहार नाल। क्या कहा जाता है? आहार नाल। तो अब मैंने क्या किया दोस्तों, सबसे पहले मुख गुहा पढ़ाऊंगा, मुख गुहा पढ़ाने के बाद दोस्तों पूरा पैरोटिड ग्रंथि पढ़ाऊंगा, उसके बाद दोस्तों ग्राशनी पढ़ाऊंगा, ग्राशनी पढ़ाने के बाद अमाशय पढ़ाऊंगा, अमाशय के बाद अग्नाशय पढ़ाऊंगा, बढ़िया पढ़ाऊंगा, छोटी हाथ पढ़ाऊंगा, मतलब पूरा बताऊंगा। और पूरा बताने के बाद क्या बताइए, आपको कहीं भी समस्या होगी नहीं होगी, पूरा अंदर से अंदर जाकर बताऊंगा। इतना तक बता दूंगा दोस्तों कि एक डिप्लोमा इंजीनियरिंग होता है PMT, वो भी क्लियर हो जाएगा, अगर कुछ लोग जुड़े होंगे वैसे तो। ठीक है, मैं पूरा डिप से डिप बताऊंगा, और कुछ लोग बायोलॉजी के जुड़े हुए हैं वो बताएंगे सर डिप से डिप बताइए, तो मैं पूरा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताऊंगा, कहीं भी मिस नहीं करूंगा। और एक बात और मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताइए। दोस्तों मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि ये गलत है, क्यों? क्योंकि आप लोग अभी तक शुरू में ये जो मैं बता रहा हूँ ये 9th क्लास में पढ़े होंगे, 8th में पढ़े होंगे, 10th में भी पढ़े होंगे, 11th में पढ़े होंगे, और 12th में भी पढ़े होंगे। इतने में पढ़ने के बाद बताइए, हमेशा आप इंपॉर्टेंट के पीछे भागोगे, महत्वपूर्ण प्रश्न के पीछे भागोगे कि एग्जाम में क्या आने वाला है, तभी तो आज फिर आपको पढ़ना पड़ रहा है, फिर आगे भविष्य में आपको पढ़ना ना पड़े, इसीलिए मैं बता रहा हूँ पूरा। चलिए ये लेसन कम्प्लीट हुआ, कितना कम्प्लीट हुआ आगे देखिए। सबसे पहले मैं लेकर आया हूँ आहार नाल का। आहार नाल कहते किसको है दोस्तों? एलिमेंट्री के नाल किसे कहते हैं? तो आहार नाल किसे कहते हैं? तो आहार नाल दोस्तों मुख गुहा से लेकर और मल द्वार तक के बीच के जो भाग है, बीच का जो लंबाई है, इसी को कहा जाता है आहार नाल। आ रहा है समझ में? आहार नाल यानी मुख से लेकर मल द्वार तक फैली नली को आहार नाल कहा जाता है। इसकी लंबाई कितनी होती थी? इसकी लंबाई होती है 8 से लेकर 10 मीटर, आप लोग जानते होंगे। इसकी लंबाई होती है 8 से लेकर 10 मीटर कंप्लीट। आहार नाल मतलब आहार को भोजन करते हैं, आहार को ग्रहण करते हैं, मतलब वैसा नली जिसे आहार को ग्रहण करते हैं। तो आहार को ग्रहण करने के बाद ऊपर से लेकर मलद्वार तक जाती है, तो मुख से लेकर मलद्वार तक जुड़े नली को आहार नाल कहते हैं, या 8 से 10 मीटर तक लंबी होती है। क्लियर है आगे? चलिए आगे हमारा मुख पढ़ना है, तो मुख में पढ़ना है हमको मुख गुहा, जिसे कहा जाता है बकल कैविटी। ठीक है, कुछ दोस्त बोले थे कि सर इंग्लिश वर्ड कभी यूज कीजिएगा, हाँ बहुत अच्छा, थैंक यू, धन्यवाद, आप बहुत अच्छा सुझाव दिए, जरूरी था, मैं करने वाला ही था, लेकिन सोचा था टाइम ज़्यादा लग जाता, लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं लगा, बिल्कुल। चलिए, तो मुख गुहा को क्या कहा जाता है? वकल कैविटी। तो वकल कैविटी कहा जाता है दोस्तों, ये क्या होता है? तो वकल कैविटी के 3 भाग होते हैं। ठीक है, वकल कैविटी से कहा जाता है मुख गुहा, मैं इसको मतलब जबरा, ठीक है, तो इसको मैं और होठ, और मतलब इस पोर्शन को कहा जाता है मुख गुहा। तो मुख गुहा को जब मैं खोलता हूँ तो मुझे क्या क्या मिलता है? जीभ, दंत, दांत, और दोस्तों लार ग्रंथि, इसमें तो लार पाया जाता है। तो क्या बताइए? दंत, जीभ और लार पाया जाता है। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा दांत के बारे में, और दांत बताने के बाद मैं जीभ के बारे में बताऊंगा, जीभ के बाद में लार ग्रंथ के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए दांत के बारे में पूरा एकदम पोर्शन तोड़ देता हूँ, कहीं समस्या नहीं होगी दांत के बारे में। चलिए देखिए, दांत को कहते हैं दोस्तों टीथ, आपको तो पता होगा टीथ। नॉर्मली एक बात समझिए कि जो दांत होते हैं दोस्तों, दांत होते हैं वो हर जीव में अलग अलग प्रकार के होते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं कि मानव वाला दांत वैसा ही सांप में हो, वैसा ही छिपकली में हो, वैसा ही मेढक में हो, और वैसा ही मछली में हो, वैसा ही घड़ियाल में हो, जरूरी नहीं, सबका दांत अलग अलग होता है। तो मैं क्या बता रहा हूँ देखिए, लेकिन हाँ, बंदर का दांत, चिंपैंजी का दांत और मानव का दांत सब एक समान होते हैं। चलिए मैं चलता हूँ, बताता हूँ दोस्तों। सबसे पहले मैं बात करता हूँ सांप के दांत के बारे में। सांप के दांत को कहते हैं एक्रोडेंट। क्या कहते हैं? एक्रोडेंट। कैसे याद रखेंगे इसको? तो दोस्तों आप कभी कभी देखते होंगे सांप, एक मूवी मैंने देखा था नागनागिन का, नाचे नागिन गली गली। तो उसमें मैंने देखा था कि जो हीरो है नाग है, वो नाग बन के और जाते रहता है क्रॉस, तो क्रॉस करता है तो एक कौआ आता है। ठीक है, नागिन शायद मतलब नागिन है, वो सांप बन के जाते रहते, तो एक चील आता है कौआ और उसको उठा के और भाग जाता है, तो फिर हीरो निकलता है, उसके बाद बंदूक लेके फायर करता है। तो दोस्तों ए क्रो डेंट मतलब ए माने एक, क्रो माने कौआ, और डेंट मतलब ऐसे समझ लीजिए अटैक करना। ठीक है, उस पर टेंट गिरा दिया, तो क्रो आ रहा है, क्रो तो क्रो को किसे दुश्मनी है? सांप से दुश्मनी है ना, वो आता है उठा के भाग जाता है। तो एक क्रो डेंट, तो एक क्रो डेंट याद रखिएगा,
मतलब सांप में जो दांत पाए जाते हैं उसको क्या कहते हैं, एक्रोडेंट। याद हो गया, सांप में जो दांत पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, एक्रोडेंट। कंप्लीट एक ट्रिक, चलिए। तो सांप के दांत को एक्रोडेंट कहते हैं, एक्रोडेंट कहते हैं, मतलब एक्रोडेंट। कंप्लीट है, आगे देखिए। छिपकली के दांत को कहते हैं प्लूरोडेंट, प्लूरोडेंट। छिपकली के दांत को क्या कहते हैं, प्लूरोडेंट। छिपकली देखते होंगे तो पीला पीला लगता होगा, पीला पीला लगता है छिपकली देखने में, तो पीला पीला लगता है। तो दोस्तों प्लूरो पास पीला पीला प्लूरो, और दांत की बात करें तो डेंट, सब में डेंट डेंट आएगा। कि छिपकली के दांत को क्या कहते हैं, प्लूरोडेंट। सांप के दांत को क्या कहते हैं, एक्रोडेंट। कंप्लीट, सांप के दांत को एक्रोडेंट और छिपकली के दांत को प्लूरोडेंट। प्लूरो मतलब पीला पीला, और छिपकली देखिए प्लूर प्लूर करता है, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट मुलायम। कुछ लोग को मतलब अजीब भी लग रहा होगा सुन के, हमको भी अजीब लगता है। तो छिपकली जो होता है दोस्तों वो एकदम सॉफ्ट होता है, पूरा मुलायम होता है, प्लूर प्लूर जिसे कहते हैं देहाती में, प्लूर प्लूर। तो प्लूर प्लूर और उसके दांत, छिपकली कोई बोले तो प्लूर प्लूर और उसके दांत, तो प्लूरोडेंट। याद हो गया। चलिए आगे आते हैं मछली का दांत। तो मछली का दांत दोस्तों क्या होता है, मछली का सारा दांत एक जैसा होता है। यकीन रखिए, आप देख लीजिएगा, मछली का सारा दांत एक जैसा होता है, उसे कहा जाता है होमोडेंट। क्या कहा जाता है, होमोडेंट। होमो मतलब एक समान, और हिंदी में कहा जाता है समदंती। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। सांप के दांत को एक्रोडेंट, बोलिए बोलिए, सांप के दांत को एक्रोडेंट। उसके बाद छिपकली के दांत को प्लूरोडेंट, मछली के दांत के होमोडेंट मतलब समदंती। उसके बाद आता है दोस्तों घड़ियाल। तो घड़ियाल का दांत होता है दोस्तों वो गर्दन साइड में होता है, मतलब गर्दन उसका घड़ियाल का देख रहे हैं, गर्दन पता चलता है नहीं पता चलता है, तो घड़ियाल जो पूरा उसका गर्दन पता नहीं चलता है, तो पूरा एकदम मतलब दांत होता है उसका गर्दन तक होता है। तो याद रखिएगा गर्दन दंती, गर्दन दंती, याद रखिएगा गर्दन दंती, गर्दन दंती, गर्दन दंती। तो गर्दन दंती घड़ियाल का पता नहीं चलता है। तो अगर आपसे पूछे सांप के दांत को एक्रोडेंट, छिपकली के दांत को प्लूरोडेंट, उसके बाद मछली के दांत को होमोडेंट समदंती, और घड़ियाल के दांत को गर्दन दंती। दोस्तों इससे ज़्यादा सवाल नहीं आएगा, मैं थोड़ा ज़्यादा बता दिया हूँ अभी तक। पूछा गया सिर्फ सांप के बारे में और मछली के बारे में। कंप्लीट है, याद रखिएगा, कंप्लीट है पूरा। चलिए चलिए, ये तो मैं जीव जंतु के बारे में, दांत के बारे में बात कर लिया। अब आता हूँ मानव के दांत में, हम लोग के बारे में। तो हम लोग मानव हैं, तो हम लोग के दांत के बारे में आते हैं। तो हम लोग का जो दांत है दोस्तों, वो दांत एक समान नहीं होता है, हर दांत अलग अलग है, ठीक है। तो मनुष्य में कितने दांत होते हैं, लगभग 32 दांत होते हैं टोटल। 32 दांत होते हैं जिसमें से 20 दांत होते हैं दूध के होते हैं, और टोटल 32 दांत होते हैं। मैं सबको बताऊंगा, सबको सबके बारे में बताता हूँ। थोड़ा सा नज़र घुमाइए यहाँ यहाँ, ठीक है। अब एक बार थोड़ा सा मेरे मुंह पे देखिए, स्मार्ट हूँ। चलिए तो देखिए, मेरा जो है, ध्यान दीजिएगा, ऊपर से बता रहा हूँ। देखिए यहाँ है, यहाँ तो यहाँ जो दांत है उसको कहा जाता है कृंतक। क्या कहा जाता है, कृंतक। तो कृंतक मनुष्य का जो दोस्तों दांत है वो होते हैं चार प्रकार के। कितने प्रकार के, चार प्रकार के। एक को कहा जाता है कृंतक। क्या कहा जाता है, कृंतक, कृंतक, धिंतक, धिंतक, कृंतक, याद कर लीजिए। एक को कहा जाता है कृंतक, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है इनसाइजर, इनसाइजर, इनसाइजर। इंग्लिश मीडियम वाले समझ जाएगा, कृंतक इनसाइजर, ठीक है। ऐसा करते तो धिंतक धिंतक आवाज आता है, तो कहाँ से आता है, कृंतक से। तो कृंतक इनसाइजर। दूसरा दांत होता है उसे कहते हैं रदनक, रदनक। इसे अंग्रेजी में कहा जाता है केनाइन, और यही इसे भेदक भी कहा जाता है, भेदक दांत भी कहा जाता है, क्योंकि जब मांस मछली खाते हैं तो दोस्तों इसी से उसको भेदा जाता है। तो रदनक, पहला कृंतक, दूसरा रदनक। मनुष्य का दांत होते हैं चार प्रकार के, पहला कृंतक, दूसरा रदनक, और तीसरा होते हैं दोस्तों, तीसरा होते हैं जिसे कहते हैं अग्रचवर्णक। क्या कहते हैं, अग्रचवर्णक, अग्रचवर्णक मतलब जहाँ से चबाते हैं उसके आगे वाला भाग। तो जब भी आप चबाते होंगे तो गौर कीजिए, कहाँ से चबाते हैं, यहाँ से चबाते हैं, यहाँ से चबाते हैं। तो चबाने के दोस्तों चबाते हैं, ठीक है। तो मतलब एक होता है अग्रचवर्णक, बस नाम याद रखिए, सबसे पहला कृंतक, दूसरा रदनक, तीसरा अग्रचवर्णक, और चौथा चवर्णक। कंप्लीट, कंप्लीट, कंप्लीट। चलिए कृंतक, धिंतक, धिंतक, कृंतक, याद कर लीजिए, रदनक। उसके बाद मैं कोशिश कर रहा हूँ याद कराने का, कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक, चवर्णक। कृंतक को इंसाइजर कहते हैं, रदनक को केनाइन कहते हैं, और अग्रचवर्णक को प्रीमोलर कहते हैं, और चवर्णक को मोलर कहते हैं। याद कर लीजिए, इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। कंप्लीट हो गया चारों। अब मैं चारों दांत के बारे में चर्चा करता हूँ, ठीक है। चार प्रकार के दांत होते हैं, दांत कितने होते हैं, 32। कंप्लीट है। अब देखिए कृंतक, अब मैं सबके बारे में बताता हूँ कि सब कौन कौन से दांत हैं, ठीक है। एक मिनट रुक जाइए दोस्तों, यहाँ देखिए, यहाँ मैंने दांत बनाया, यहाँ देखिए, इसको समझिए, इससे आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक बार मतलब ऐसे नॉर्मल देखिए, देखिए इधर से चबाते हैं, इधर से चबाते हैं, तो इधर जो दांत होता है, यहाँ जो दांत होता है उसको कहते हैं चवर्णक, क्योंकि चबाते हुए क्या कहते हैं, चवर्णक। चबाने वाले दांत की संख्या होती है दोस्तों 3, ठीक है। नॉर्मली अभी समझिए, यहाँ देखिए, यहाँ तो इधर 3 दांत से चबाते हैं, इसे कहा जाता है चवर्णक,
ठीक है। और इसके बाद दो दांत है, दो दांत, दो दांत, इसको कहते हैं चवर्णक के आगे का दांत है, इसे कहा जाता है अग्र चवर्णक। क्या कहा जाता है? अग्र चवर्णक। और इसके आगे एक दांत है नोकीला, इसको कहते हैं केनाइन, रदनक, गेदनक, ठीक है। और इसके आगे जो जो दो दांत है इसको कहा जाता है कृंतक। देखिए मेरे पीछे जो दांत, मतलब यहाँ जो दांत है, पीछे दांत नहीं होते हैं, ठीक है, यहाँ जो दांत है, यहाँ तो यहाँ जो दांत है उसे क्या कहा जाता है? चवर्णक। उसके आगे का दांत उसको अग्र चवर्णक, उसके आगे एक नुकीला भाग होगा, नुकीला दांत, नुकीला दांत, नुकीला, ठीक है, इसे कहा जाता है, इसे कहा जाता है केनाइन, ठीक है, इसे कहा जाता है केनाइन, रदनक, भेदक। और इसके बाद जो दांत है आगे, आगे दो दांत है, इसे क्या कहा जाता है? कृंतक। तो दांत कितने प्रकार के? चार प्रकार के, कृंतक, रदनक, अग्र चवर्णक, चवर्णक, कंप्लीट है। अब देखिए कृंतक जो आगे का दांत है, इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं? जब भोजन करते हैं, तो भोजन करते हैं तो पहले इसी से खाना खाते हैं, खाना काटते हैं, तो याद रखिएगा ये आगे के दो दांत होते हैं, ठीक है, आगे के दांत होते हैं, एक काटने या खाने में काम आते हैं। और दोस्तों एक बात, और एक बात मैं खास बता देना चाहता हूँ आपको, मनुष्य के जीवन काल में दांत आप गौर करते होंगे, पहले दूध के दांत होते हैं, फिर टूटते हैं, फिर असली दांत होते हैं। और मैंने कितना बार देखा है मूवी में, कि मैं एक बार मूवी देखा था गंगा यमुना सरस्वती, अमिताभ बच्चन का, अमिताभ बच्चन आते हैं और मेगा स्टार आते हैं, और अमरीश पुरी को एक उनका शुभ लगने के बाद क्या होता है, उनका दांत पूरा टूट जाता है, टूट जाता है पूरा। क्या बताइए, अमरीश पुरी का दांत फिर उगेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि मनुष्य के जीवन में सिर्फ दो ही बार दांत उगते हैं, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन कौन कौन से दांत है? कुछ दांत है जो सिर्फ एक बार ही उगते हैं, फिर दोबारा अगर वो टूट जाए तो फिर नहीं उगेंगे, और कुछ दांत है जो टूट जाए तो दोबारा उगते हैं, ठीक है। अब बता रहा हूँ क्या, ध्यान से देखिए। तो दोस्तों देखिए दांत होते हैं तीन प्रकार के, ठीक है, एक होते हैं जिसे कहते हैं डाइफोडोंट, 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 और एक होते हैं दोस्तों जिसे कहते हैं मोनोडाइफोडोंट। याद कर लीजिए, दांत ऐसे भी दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं डाइफोडोंट और एक होते हैं मोनोडाइफोडोंट और एक होते हैं पॉलीडाइफोडोंट। डाइफोडोंट, मोनोडाइफोडोंट और पॉलीडोंट। देखिए मोनोडाइफोडोंट किसे कहते हैं, ध्यान दीजिए, इसको मिटाओ, चलिए ये तो पढ़ चुके हैं हर दांत, और ये भी पढ़ चुके हैं, ये भी पढ़ चुके हैं, चलिए। तो देखिए दांत होते कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। एक होते हैं मोनो डाइफोडोंट और एक होते हैं डाइफोडोंट और एक होते हैं पॉली डाइफोडोंट। मोनो डाइफोडोंट उसे कहते हैं, मोनो मतलब एक, यानी वैसा दांत जो पूरे जीवन काल में सिर्फ एक बार उगता है उसे मोनो डाइफोडोंट कहते हैं, ठीक है। और डाइफोडोंट वैसा दांत जो जीवन काल में दो बार उगता है उसे डाई डाइफोडोंट कहते हैं, और वैसा दांत जो जीवन में बहुत बार उगता है उसे पॉलीडाइफोडोंट कहते हैं। मनुष्य में पॉलीडाइफोडोंट नहीं पाया जाता है, कंप्लीट है। चलिए अब देखिए, याद हो गया, मोनोडाइफोडोंट जो एक बार उगता है, एक वर्णी दंत, डाइडाइफोडोंट जो दो बार उगता है, ठीक है, द्विवर्णी दंत, और पॉलीडाइफोडोंट जो जीवन में बहुत बार उगता है उसे पॉलीडाइफोडोंट बहुवर्णी दंत कहते हैं, ठीक है। अब देखिए कृंतक जो है, कृंतक जो है ये आगे के दो दांत होते हैं, या काटने या खाने के काम आते हैं, आगे के दो दांत काटने या खाने के काम आते हैं, आ रहा है समझे पूरा। और आगे इसे डाइफोडोंट कहते हैं, डाइफोडोंट मतलब दोस्तों, डाइफोडोंट मतलब दो बार उगते हैं, तो याद रखिएगा कृंतक कितने बार उगते हैं? दो बार। तो डाइफोडोंट में याद रखिए, मैं थोड़ा सा टेबल बना देता हूँ आपके लिए, काफ़ी सुविधा हो इसलिए। दोस्तों जो मैं बताया, एक होता है मोनोडाइफोडोंट, एक होता है डाइडाइफोडोंट और एक होता है पॉलीडाइफोडोंट। एक को कहा जाता है दोस्तों एक बार दंती, मोनोडाइफोडोंट को एक बार दंती, देखिए मोनोडाइफोडोंट को एक बार दंती, और डाइडाइफोडोंट को क्या कहा जाता है? दो बार दंती, और पॉलीडाइफोडोंट को कहा जाता है बहुबार दंती, ठीक है, मैं बता चुका हूँ। तो एक बार दंती जो होता है, पूरे दांत चार प्रकार के होते हैं, तो जो दांत पूरे जीवन काल में एक बार उगते हैं उसे एक बार दंती कहते हैं, जो दो बार उगते हैं उसे दो बार दंती कहते हैं, जो बहुत बार उगते हैं उसे बहुबार दंती कहते हैं। बहुबार दंती मनुष्य में नहीं पाया जाता है, एक बार दंती पाया जाता है, दो बार दंती पाया जाता है। तो एक बार दंती मतलब कौन कौन से दांत है जो एक बार उगते हैं, और कौन कौन से जाते हैं दांत है जो दो बार उगते हैं। तो याद रखिएगा, मैं बताया अभी अभी बताया हूँ, एक बार मतलब नॉर्मल बता देता हूँ फिर अच्छे से समझाता हूँ। जो दांत अग्र चवर्णक है, कौन दांत अग्र चवर्णक है? अग्र चवर्णक है वो, अब बताऊँगा मैं कौन कौन सा अग्र चवर्णक है। तो जो दांत अग्र चवर्णक, मैंने बताया सबसे इधर का दांत चवर्णक, उसके आगे का अग्र चवर्णक, और एक नुकीला दांत होगा उसे कहते हैं केनाइन, और उसके आगे का रत्नक। तो जो दांत अग्र चवर्णक है वो हमेशा एक बार दंती होता है, क्या होता है? एक बार दंती होता है। और उसके बाद सारे दांत, ठीक है, सारे दांत दो बार दंती होते हैं। आ रहा है समझ में? आ रहा है समझ में? देखिए जो दांत अग्र चवर्णक होता है, क्या होता है? अग्र चवर्णक होता है, वो एक बार दंती होता है, पूरे जीवन काल में सिर्फ एक बार ही उगता है, उसे एक बार दंती कहते हैं।
और उसके दांत, उसके बाद सारे दांत हैं वो जीवन काल में दो बार उगते हैं। लेकिन एक दांत और है जो जीवन काल में एक ही बार उगता है, उसे कहते हैं जैसे तीन दांत हैं पूरे चवर्णक, तीन होते हैं इधर से चबाते हैं, उसे तीन दांत हैं, एक चवर्णक, दो चवर्णक, तीन चवर्णक। तो तीसरे चवर्णक है वो हमेशा एक बार दंती होता है। तो एक बार दंती में कौन कौन दांत होंगे? तीसरे चवर्णक और सभी अर्घ चवर्णक, अग्र चवर्णक, अर्घ चवर्णक मतलब अग्र चवर्णक और तीसरे चवर्णक, ये हमेशा कौन से दांत होते हैं? एक बार दंती, सिर्फ एक बार उगते हैं जीवन काल में। और बाकी सारे दांत कितने बार उगते हैं? दो दो बार उगते हैं, दो बार दंती। आप कैसे याद रखेंगे इसको? तो आप एक गाना याद रखिएगा हमेशा समय का, एक बार आ जा 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 आ जा, ये गाना याद रखेगा। तो एक बार आ जा आ जा, तो एक बार, तो एक बार दंती और आ जा से दोस्तों आ से अग्र चवर्णक, तो अग्र चवर्णक हमेशा एक बार दंती होते हैं, क्वेश्चन पूछा गया है SSC में, ठीक है? तो अग्र चवर्णक हमेशा एक बार दंती होते हैं, कंप्लीट है पूरा। चलिए, और दोस्तों एक बात और, जब कभी पढ़ाई हार्ड लगने लगे तो समझिए कि बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, क्योंकि छोटी छोटी बात सबके आती है, ठीक है? और मैं छोटी छोटी बात सबको बताता हूँ, छोटी छोटी बात सब बात बताता हूँ, क्योंकि बड़े बड़े शहर में छोटी छोटी बातें होती रहती है। चलिए, तो अच्छे से बताता हूँ पूरा, चलिए कंप्लीट है। अब मैं बात करता हूँ थोड़ा, मानव के कितने प्रकार के दांत होते हैं? चार प्रकार के। थोड़ा सा यहाँ देखिए, यहाँ मैं बता दिया हूँ पूरा। इसे कहा जाता है अग्र चवर्णक, इसे कहा जाता है सॉरी इसे कहा जाता है चवर्णक, इसे कहा जाता है अग्र चवर्णक, इसे कहा जाता है केनाट, इसे कहते हैं धिन तक क्लीन तक। कंप्लीट है? हमको क्लीन तक याद नहीं रहता, तो मैं धिन तक क्लीन तक याद रखता हूँ, ठीक है? चलिए, तो अब यहाँ समझिएगा, तो चलिए समझिए, तो कितने दांत हैं? सबसे पहले मैं बात करता हूँ क्लीन तक के बारे में, जो आगे के दांत होते हैं, आगे के जो दो दांत होते हैं उसे कहते हैं क्लीन तक। तो उसके बाद बात करता हूँ, मैं बता दूँ, आगे के दो दांत होते हैं खाना को काटने में काम करते हैं, ठीक है? और ये होते हैं डाइफोडोंट किसे कहते हैं? जो दो बार उगते हैं। तो मैं बताऊँ ना अभी कि सभी दांत दो बार उगते हैं, क्लीन तक आए दो बार उगते हैं, बस एक अग्र चवर्णक और तीसरा चवर्णक, अग्र चवर्णक और तीसरा चवर्णक एक बार उगते हैं, उसे एक बार दंती कहते हैं, और बाकी सारे दांत डाइफोडोंट दो बार दंती होते हैं। तो कृंतक कौन से दांत होंगे? डाइफोडोंट होंगे। आ रहा है समझ में? डाइफोडोंट होंगे, दो बार दंती होंगे। और इसकी संख्या मनुष्य में दो होती है। कितनी होती है? दो होती है, एक दो, याद रखिएगा। मतलब समानता, जब मनुष्य के दांत की बात किया जाए, तो एक भाग का बात किया जाता है। मनुष्य के दांत की पता है कितने भाग होते हैं? चार भाग होते हैं। देखिए, एक भाग ऊपर का, दो ये भाग, दूसरा तीन भाग और चार भाग, और चारों को मिला के 32 दांत टोटल होते हैं। तो हमेशा मनुष्य के दांत की बात किया जाए तो एक भाग की बात किया जाता है, एक भाग की, दो भाग की, तीन भाग की, चार भाग की। तो मनुष्य के दांत एक भाग में कितने क्लीन तक होते हैं? दो क्लीन तक होते हैं। कितने क्लीन तक होते हैं? दो क्लीन तक होते हैं। वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि पूरा परफेक्ट अध्ययन लास्ट में होगा। तो एक भाग में कितने क्लीन तक होते हैं? दो क्लीन तक होते हैं, ठीक है? तो क्लीन तक कितने? दो। हम कैसे जानेंगे क्लीन तक कितने? दो, याद रखेंगे, धिन तक क्लीन तक। तो दो बार बोले हैं धिन तक, तो क्लीन तक कितने? दो। कंप्लीट। आगे देखिए, रत्नक, तो रत्नक बताइए, यह क्लीन तक के बगल वाले दांत होते हैं। हमारा क्लीन तक है, इसके बगल में देखिए एक नकीला दांत है, इसे कहा जाता है रत्नक। तो क्लीन तक के बगल में एक नकीला दांत पाया जाता है दोस्तों, इसे क्या कहते हैं? कहता है रत्नक। और जानते हैं, जो मांसाहारी होते हैं, जो व्यक्ति मांस मछली खाते हैं, उसके रत्नक हमेशा तीखा होता है, ज़्यादा होता है, क्योंकि इसी से मांस मछली को चीरा फाड़ा जाता है, खाया जाता है, ठीक है? इसलिए दोस्तों शेर के नुकीले दांत होते हैं, ठीक है? अब हाथी पे मजा आएगा, हाथी के दांत क्यों नुकीला होता है, उसका दूसरा वजह मैं बताऊंगा, ठीक है? तो याद रखिए, कुत्ते के दांत नुकीले होते हैं, ठीक है? चलिए, आ रहा है समझ में? आगे देखिए, कृतक के बगल वाले नुकीले दांत को क्या कहते हैं? रत्ना कहते हैं, भेदा कहते हैं, किनाइन कहते हैं, ये मांसाहारी होते हैं, और यह डाइफोडोंट होते हैं। मैं भी तुरंत बताया हूँ कि सभी दांत डाइफोडोंट है। डाइफोडोंट इंग्लिश एक बार कंप्लीट कर लीजिए, डाइफोडोंट मतलब दो, डाई मतलब दो, और दुई बार दंती। तो ये भी दुई बार दंती, कृतक भी दुई बार दंती, मैं बताया ना, धिन तक दुई बार दंती, और रत्ना भी दुई बार दंती, दो बार उत्पन्न होते हैं, ठीक है? और इसकी संख्या मनुष्य में एक होती है। कितनी होती है? एक होती है। क्या पूरे दांत की बात कर रहा है? नहीं, एक भाग की बात कर रहा है, एक भाग में एक होती है। आ रहा है समझ में? चलिए, अब आगे देखिए, अग्र चवर्णक। तो अग्र चवर्णक किसे कहते हैं? मैं बताया हूँ, चवर्णक, उसके आगे का अग्र चवर्णक, यानी इसके बाद दो दांत होते हैं, इसे क्या कहते हैं? अग्र चवर्णक। तो अग्र चवर्णक, ठीक है? तो अग्र चवर्णक देखिए, यहाँ अग्र चवर्णक, ये मोटे दांत होते हैं, काफ़ी मोटे होते हैं, देखिए ना बगल में दो दांत काफ़ी मोटे होते हैं, और यह पीसने का काम करता है, जब खाना वाना खाते हैं तो उसको पीसने का काम करता है। यह मोनोडाइफोडोंट होता है, मतलब बताया था मैंने, अग्र चवर्णक, आजा असे अग्र आजा। तो अग्र चवर्णक मैंने बताया पहले भी कि एक बार दंती है, मोनोडाइफोडोंट मतलब एक बार दंती, मतलब अगर जीवन में एक बार उग गया, अगर टूट गया, उखड़ गया, तो फिर जिंदगी में कभी नहीं होगा। आ रहा है समझ में? तो दोस्तों याद रखिएगा, अग्र चवर्णक एक बार दंती होते हैं,
और इसकी संख्या दो होती है। कितनी होती है? इसकी संख्या दो। और आप लोग घबराइए नहीं, मैं इसकी संख्या याद करवा दूंगा, ठीक है? नहीं हो रहा या तो कोई दिक्कत नहीं, घबराइए नहीं, मैं लास्ट में पूरे याद करवा दूंगा, ठीक है? आगे देखिए दोस्तों, क्योंकि मेहनत मैं कर रहा हूँ, बस आपको देखना है, टेंशन फ्री हो के बस वीडियो देखते रहना है बस। आगे देखिए, अगला चवर्ण कंप्लीट हो गया। अगला है चवर्णक, मैं बताया था पीछे का तीन दांत होते हैं उसके, उसको चवर्णक कहते हैं पीछे के। देखिए तो ये मोटे दांत होते हैं, मोटे होते हैं, ये अभी पीसने का काम करता है, कंप्लीट है। और याद रखिएगा, मैं इसमें बताया हूँ कि एक चवर्णक होते हैं, कौन सा? तीसरा चवर्णक। पहला दूसरा छोड़ दीजिए, तीसरा चवर्णक होता है वो एक बार दंती होते हैं। क्या होते हैं? एक बार दंती, तीसरा चवर्णक, ठीक है? तो पहला और दूसरा चवर्णक होते हैं डाइकोटोमस होते हैं, द्विबार दंती, मतलब पहला और दूसरा अगर तोड़ दिए मैंने, अगर पहला दूसरा उसको मैंने मुक्का मारा और टूट गया तो फिर उगने की चांस है, द्विबार दंती, दो बार चांस है। लेकिन तीसरा चवर्णक अगर टूट गया तो फिर कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं, ठीक है? इसे कहते हैं दोस्तों तीसरा चवर्णक। तीसरा चवर्णक होता है मोनोडाइकोटोम। कंप्लीट हो गया पूरा दांत, पूरा कंप्लीट मैंने बता दिया। अब एक बात और मैं बता रहा हूँ दोस्तों, दांत की संख्या कैसे मैं बता रहा हूँ दोस्तों, दो होती है, दो होती है, एक होती है, तीन होती है। किसको जोड़ दीजिएगा तो दो, एक, तीन, तीन, दो, पाँच, पाँच, तीन, आठ, तो आठ आ रहा है, तो सही तो है। एक भाग में आठ दांत, दूसरे भाग में सोलह, तीसरे भाग में चौबीस, चौथे भाग में बत्तीस। अब इसको देखेंगे कैसे, तो देखिए अगर आपसे कभी पूछ दिया जाए कि अच्छा इंग्लिश टर्म याद हो गया, याद कीजिए कृंतक को इंसाइजर। वीडियो थोड़ा दोस्तों लंबा हो जाए लेकिन नॉलेज पूरा हो जाना चाहिए, क्या पता मैं छोटा सा टॉपिक काट लिया वही आ गया, इसलिए मैं पूरा नॉलेज दे रहा हूँ। कृंतक, कृंतक, कृंतक को इंसाइजर कहते हैं, रगना को केनाइन कहते हैं, अग्रचवर्ण को प्रीमोलर कहते हैं, और चवर्ण को मोलर कहते हैं। और अगर कृंतक को सूचित किया जाता है दोस्तों, पूरा मिटा दूँ, कृंतक को सूचित किया जाता है दोस्तों आई से, रगना को सी से, अग्रचवर्ण को पी से, और चवर्ण को एम से। तो याद रखिए ICPM, ICPM क्या याद रखिएगा? ICPM, मान लीजिए कोई हॉस्पिटल का नाम है ICPM, ICPM, तो ICPM अगर आपको दांत की संख्या निकालना हो तो दांत की संख्या वाला फार्मूला होता है, दंत सूत्र वाला फार्मूला होता है ICPM बटा ICPM गुना दो। कंप्लीट है? अब देखिए आई मतलब इंसाइजर, देखिए इसमें बता रहा है क्या, इसमें क्या बताया जा रहा है कि देखिए ICPM मतलब इंसाइजर कितने हैं, केनाइन कितने हैं, प्रीमोलर कितने हैं और मोलर कितने हैं, एक भाग में, एक भाग की बात कर रहा है। तो एक भाग आ रहा है समझ में, एक भाग ऊपर, एक भाग ऊपर, एक भाग नीचे, दो भाग हुआ और दो भाग में दूसरे गुना किया तो चार भाग हो गया, चार भाग तो बत्तीस आना चाहिए, मैं जैसे लिखा हूँ। चलिए देखते हैं इंसाइजर कितना मैंने बताया है, दो, तो दो आ रहा है समझ में। चलिए और केनाइन मैंने कितना बताया, केनाइन कितना बताया मैंने, एक, तो आई की जगह पर दो, केनाइन की जगह पर एक, प्रीमोलर मैंने कितना बताया है, दो, और मोलर मैंने कितना बताया है, तीन। तो याद रखिएगा ICPM बराबर होता है 2123, ICPM, ICPM बटा बराबर 2123, और बटा फिर ICPM है तो 2123 आ रहा समझ में। देखिए अब यहाँ कैलकुलेशन गणित के हिसाब से मत कीजिएगा, काट दीजिएगा एक मरतबे नहीं, यहाँ होता है मतलब दांत को जोड़ना है ना, जोड़ना याद रखिएगा, दो एक तीन, तीन दो पाँच, और तीन दो पाँच और पाँच तीन आठ, तो हो जाएगा आठ और बटा आठ और गुना दो, तो आठ आठ सोलह, और सोलह गुना कितने टोटल दांत, बत्तीस। आ रहा है समझ में, कोई दिक्कत आ रहा है पूरा समझ में? अब एक सवाल कभी कोई पूछ दिया जाता है, मैं नॉलेज पूरा ही दे देता हूँ, कभी कोई पूछ दिया जाता है चलिए पूरा दांत बत्तीस हो गए, दूध के दांत कितने होते हैं, दूध के दांत कितने होते हैं, बीस। सवाल कभी कोई पूछ दिया जाता है कि एक मनुष्य के पूरे पूरे दांत में इंसाइजर कितने होते हैं, इंसाइजर मतलब कृंतक कितने होते हैं, तो कृंतक आपको निकालना है ना, कुछ नहीं कीजिएगा, मैं बता रहा हूँ क्या फॉर्मूला आपको पता है, आई सी PM बराबर 2123 आ रहा है समझ में। मैंने क्या लिखा था, फॉर्मूला क्या लिखा था, ICPM बटा ICPM गुना दो, तो 2123 बटा 2123 और गुना दो मैंने लिखा था। तो कृंतक कितने होंगे, तो इंसाइजर की बात कर रहा है, कृंतक की बात कर रहा है, दो गुना चार और चार गुना आठ आ रहा है समझ में। एक मिनट दोस्तों, और केनाइन कितने हैं, केनाइन मतलब रदनक, रदनक कितने हैं, तो देखिए कितने हैं, एक एक दो और दो दुना चार, तो ये हो गया। इंसाइजर कितने हैं, एक मनुष्य के पूरे मुंह में इंसाइजर कितने होते हैं, मतलब कृंतक कितने होते हैं, तो कृंतक पूरे कृंतक की बात करता है, पूरे कृंतक की बात करता है तो कितना है, दो दुना चार, चार दुना आठ। और केनाइन कितने हैं, तो केनाइन कितने हैं, देखिए एक एक दो और दो दुना चार। प्रीमोलर कितने हैं, तो दो दुना चार, चार दुना आठ। और मोलर कितने हैं, तो तीन गुना छः, छः गुना बारह, जुड़िए बारह आठ बीस, बीस चार चौबीस, चौबीस और आठ बत्तीस, बत्तीस आ गया टोटल दांत।
मैं पूरा बता देता हूँ दोस्तों, जिंदगी में कहीं समस्या नहीं होगी दांत से अब सवाल पूछा जाए तो। अब एक बात बता रहा हूँ, छोटी सी बात है, ठीक है, छोटी सी बात मैं क्या बता रहा हूँ कि जो दांत होते हैं तो इसके ऊपर वाला भाग को कहते हैं क्राउन। याद रखिए, ऊपर वाला को क्या कहते हैं? क्राउन। एक क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं? क्राउन। और इसके ठीक बीच वाले भाग को कहते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, ग्रीवा। दांत के बीच वाले भाग को क्या कहते हैं? ग्रीवा, निक। और ऊपर वाले भाग को क्राउन कहते हैं, और नीचे वाले भाग को जो मसूड़े में धंसे होते हैं उसको कहते हैं रूट, जड़। कंप्लीट है, एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कंप्लीट है। और दोस्तों, जहाँ दांत जो उजला होता है तो इस पर जो परत चढ़ा होता है वो होता है इनामिल का चढ़ा हुआ परत। तो दांत पर जो सफ़ेद परत चढ़े होते हैं, चमकीला परत चढ़े होते हैं, इसे क्या कहा जाता है? इनामिल। और एक बात मैं लिखा रहा हूँ, लिख लीजिए, पूरे मनुष्य के पूरे शरीर का जो सबसे कठोर भाग होता है उसे कहते हैं इनामिल। सबसे कठोर हड्डी होती है, तो मनुष्य के शरीर की सबसे कठोर हड्डी कौन सा है? इनामिल। आ रहा है समझ में? और जो इनामिल है वो बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट का, CaPO4 का, कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। आ रहा है समझ में? और दांत में सबसे ज़्यादा पाया जाता है फॉस्फोरस। कंप्लीट। तो ये हमारा दांत कंप्लीट हो गया। और कहीं भी अगर दांत से आपको समस्या पूछी जाए, समस्या हो तो कमेंट्स कीजिए, आपको वीडियो कैसा लगा उसको कमेंट्स कीजिए। और मैं आगे जो बताऊंगा दोस्तों, थोड़ा सा डीप नॉलेज दे देता हूं, अब अगला वीडियो तुरंत आपको प्राप्त होगा, वो शायद कल प्राप्त हो बायोलॉजी का, ठीक है, और आगे आज ही आपको प्राप्त होगा केमिस्ट्री का और एक फिजिक्स का वीडियो। मैं रोज रेगुलर 3 वीडियो दूंगा, थोड़ा सा मेहनत मैं ज़्यादा करूंगा, और आप लोग भी मेहनत कीजिए। और मैं अगला वीडियो प्राप्त होगा आपका, वो मैं बताऊंगा, उसमें लार ग्रंथि और जीभ, और कोशिश करूंगा मैं हमारे अग्नाशय सब खत्म कर दूंगी वीडियो में, और जरूर मैं खत्म कर दूँगा, छोटे छोटे टॉपिक हैं। और मैं कल ही पाचन तंत्र कंप्लीट करके उसके बाद फिर मैं श्वसन तंत्र पे आऊँगा। बायोलॉजी मैं रेगुलर तरीके से रोज डालते रहूँगा, अच्छे तरीके से देखते रहिए। और केमिस्ट्री का आज ही एक लेसन डालूंगा, एक लेसन कंप्लीट करूँगा, फिर फिजिक्स का एक लेसन कंप्लीट करूँगा, और आपको बहुत ही जल्दी पूरा साइंस 100% कंप्लीट करा दूँगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, मेरा वीडियो जो आप लोग इतना प्यार देते हैं, इतना देखते हैं, इतना लाइक करते हैं, इतना कमेंट्स करते हैं, उसके लिए। और दोस्तों, अपनी उत्तेजना और एक्साइटेशन को कम मत होने दीजिएगा, एक एनर्जी रखिएगा। अब मैं विदा लेता हूँ, लव ऑल ऑफ यू। और दोस्तों, अब मैं विदा लेता हूँ और अच्छे तरीके से अपने मंजिल की तरफ, थक चुका हूँ पूरी अच्छे तरीके से, मैं भी तो इससे बोलता हूँ अच्छे तरीके से, प्लीज़ अपने मंजिल को एकत्रित हो जाइए, अच्छे से पढ़िए पूरा, और मेन लक्ष्य पे फोकस कीजिए। अब मैं विदा लेता हूँ, जय हिंद जय भारत।